74वां स्वतंत्रता दिवस कुशलगढ़ के चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में उपखंड अधिकारी विजेश पांडे ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। इस अवसर पर विजेश पांडे ने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी को देखते हुए सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं, लोगों को सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रेखा जोशी ने कहा कि खेल स्टेडियम बच्चों के बिना सूना दिखाई दे रहा है, लेकिन इस महामारी के कारण इस बार सिर्फ ध्वजारोहण का कार्यक्रम ही किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी, उप पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह शक्तावत, तहसीलदार प्रवीण मीना, BDO पप्पू लाल मीना, नायब तहसीलदार मेरावत, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शंभुलाल नायक, नेपा के EO ललित सिंह राठौर, राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक भीमजी सुरावर, राष्ट्रीय विद्यालय बालिका के प्रधानाध्यापक राकेश कुलदीप, मुख्य चिकित्सक अधिकारी उज्जैनिया, भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष जिला लीला पंडियार, प्रतिपक्ष नेता नगरपालिका रजनीकांत खाबिया, PPC सदस्य हसमुख लाल सेठ, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जंतीलाल कोवालिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष नितेश बैराग, मुकेश अग्रवाल सहित सभी नपा के पार्षद व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आभार राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका के प्रधानाध्यापक राजेश कुलदीप ने किया। उपखंड कार्यालय में SDM विजेश पांड्या, पंचायत समिति विकास अधिकारी पप्पू लाल मीना, नगर विकास पालिका अध्यक्ष श्रीमती रेखा जोशी, हॉस्पिटल के डॉक्टर मजर हुसैन, उप कारागृह SDM विजेश पांड्या, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बालिका के प्रधानाध्यापक भीमजी सुरावत व बालिका में प्रधानाध्यापक राजेश कुलदीप, कांग्रेस कार्यालय ब्लॉक अध्यक्ष जयंतीलाल कोवलिया, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शंभुलाल नायक, गांधी चौक के महात्मा गांधी स्वस्थापना के SP के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी ने ध्वजारोहण किया। हमारे प्रतिनिधि कुशलगढ़ से महेश जोशी की एक खास रिपोर्ट।